तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए अब्रॉड में लड़का पसंद किया है। देसी लड़की से शादी? हरगिज नहीं। Exactly what I wanted. जिंदगी बेजार कर दे, जहां नजर आए SRK बनकर पहुंच जाए। SRK बहुत पछताना पड़ेगा। वेरी फिल्मी यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। जनाब को सुबह सुबह मेरी कैसे याद आ गई? याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें बुलाया जा सकता है। आप तो हर वक्त याद रहती हैं। बड़ा शायराना मूड हो रहा है। मेरे मूड की किसको फिकर? ये तो बस सुबह सुबह ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। फोन रखो, मैं तैयार हो रही हूँ। कॉल इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए सरप्राइज है? हाँ सरप्राइज। 5 मिनट में तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा से तैयार होना, बाकी बातें गाड़ी में बैठ के, ठीक है? दानिश प्लीज। Okay then. See. Wow. ये किसका घर है? तो कोई भी नहीं है। तारिश तुम क्यों नहीं बता रहे किसका घर है ये? तुम्हारा घर है मरियम। मेरा? Will you marry me? तुम मेरे लिए बहुत अहम हो मरियम, तुम्हारे बिना मैं इस जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी अब समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूं। कुछ भी कह लो, बस इनकार मत करना। पहनो। I will marry you. आओ मैं घर दिखाऊं। बाकी घर दिखाता हूँ। वाव, कितना खूबसूरत घर है। वाव, I love the structure. तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? वो तो देख के बहुत प्राउड हुए होंगे ना? उनको कैसा लगा ये घर? I'm sure बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ अच्छा लगा उन्हें। तुम्हें कैसा लगा? मुझे? Look at me, it's beautiful. किसको ये घर अच्छा नहीं लगेगा? अब ये घर तुम्हारा है, अपने हिसाब से सजाओ इसको, तुम हुक्मरानी करो यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा, तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ। मिलवाओगी ना अपने पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स से? मैं काफी नहीं हूँ क्या? तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, काफी है ना? बिल्कुल भी काफी नहीं है। शादी का मतलब ये थोड़ी होता कि दो लोग साथ में रहना शुरू कर दें, उसको शादी का नाम दे दें। दो खानदान का ताल्लुक होता है, पेरेंट्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से तो पता चलता है किसकी शनाख्त क्या है, किसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, इसका भी पता चलता है। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी इस तरह से सोचती है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें दुनिया की हर साइज दे सकता हूँ, इतना काफ़ी नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स मिलें। तुम जितने मेरे लिए अहम हो ना, उतने ही अहम तुम्हारे पेरेंट्स मेरे लिए हैं। और हर शादी में ज़रूरी होता है कि लड़के के पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स से मिलें,
और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तो आज तक कभी भी ऐसी कोई शादी नहीं देखी जहाँ पेरेंट्स की मुलाकात ही ना हुई हो। मिलेंगी, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं मिलेंगी। मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से मिलेगी, एक फॉर्मल प्रपोजल लेकर आएंगी। मैं तो सिर्फ अपनी सोच के बारे में बता रहा हूँ। मुझे लगता है किसी भी इंसान की शनाख्त उसकी शख्सियत से होती है। आप किसी भी इंसान को उसके खानदान या उसके पास से जज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आई डिसएग्री। इंसान की शनाख्त उसके खानदान से जुड़ी होती है, मीनिंग देयर पेरेंट्स। तुम्हें मिलवाना होगा। ऑफ कोर्स मिलवाऊंगा मैं, वो भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। आओ तुम्हें फूल दिखाता हूँ, अच्छा लगा था ना तुम्हें? बहुत अच्छा। किसकी चॉइस थी ये? आई लव द टाइल्स। उमूमन रिश्ते के वक्त वालिदैन अपनी औलाद की तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन आपसे सच कह रही हूँ शाहीन, हकीकतन मेरा दानिश लाखों में एक है। आप अपनी बेटी की खुशियों की नज़रें उतारते थकेंगी नहीं। इस बात की गवाही तो मैं भी देता हूँ, हमारा दानिश माशाल्लाह बहुत समझदार और बहुत मोहब्बत वाला बच्चा है, अच्छा खाता कमाता है। इंशाल्लाह आपकी बच्ची को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। जी भाई साहब, ठीक कह रहे हैं आप। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं अपने जिगर का टुकड़ा किसी और को देना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही। अब मेरा दिल मुतमईन है कि मेरी बेटी अच्छे घराने में जा रही। बिल्कुल, हर बेटी के वालदैन की तरह हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता जहाँ हो वो लड़का अच्छे ख़ानदान से हो, अच्छा खाता कमाता हो, इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो। और अब यकीन जानिए मुझे दानिश में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, तो फिर मरियम का मुंह मीठा कराने की इजाज़त है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर। और साथ साथ रुख्सती निकाह की तारीख भी तय हो जाए। बेटा जी हमारी तरफ से शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस। लीजिए ना आप। थैंक यू। आप लीजिए। और बेटा शुक्रिया। सच कहूँ तो आज मैं अपने आप को बादशाह महसूस कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की दौलत किसी ने मेरे दामन में ला के रख दी। बहुत खुश हूँ मैं मरियम। मैं तुमसे वादा कह रहा हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर कही हुई बात मेरी दौलत से ज़्यादा अहम होगी। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरा प्यार, मेरी दौलत, ये घर, सब कुछ। और मैं एक बात कहूँ, एक मुखलिस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका शौहर अमीर हो के गरीब। वो मुतासर नहीं होती उसकी अमीरी से, ना ही घबराती है उसकी गरीबी से। उसको सिर्फ दो बातों से फ़र्क पड़ता है, क्या वो उससे मोहब्बत करता है, या उसको इज्जत देता है, और वो उसके साथ कितना सच्चा है। आज मुझसे वादा करो कि हमारे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ सच पे होगी, ट्रस्ट पे होगी, और आईने की तरह शफाफ होगा हमारा रिश्ता, जिसमें तुम मेरा अक्स देख सको और मैं तुम्हारा। चले चले ध्यान से। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मुझे मालूम है तुम मुझे कभी गिरने नहीं दोगे। थैंक यू। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पास में कुछ बहुत अच्छा किया होगा जिसके बदले में तुम मुझे मिले। और ऐसी लव स्टोरी मैंने सिर्फ फिल्मों, किताबों या ड्रामों में देखी है, असली में नहीं। मरियम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या हैसियत है। हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ तुमसे कि अगर कभी तुम्हारे लिए जान देनी पड़ी ना तो खुशी खुशी दे दूँगा। That I promise. You don't have to. चले, Mrs. Danish नीचे से वेट कर रहे हैं। चल।
नहीं, बिल्कुल नहीं करनी थी आपसे बात। आगे बच्चे। अंकल आंटी चले। हाँ चले। भाई मैं चलूंगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त। कौन सी शर्त? वो ये कि आज के बाद आप मुझे कभी अंकल नहीं कहेंगे, बाबा कहोगे। ठीक है बाबा। सही है। चलो आगे। और सुनो मुझे अम्मी। दानिश तुमने अम्मी पापा को देखा है? मैंने पूरा घर छान लिया, उनके कमरे में भी गई थी, कुछ भी नहीं है उनके कमरे में, कोई सामान नहीं है, कहाँ गए वो? मरियम बच्चे थोड़ी है, वो कहीं गए होंगे, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, बाहर जाते तो बता के जाते ना, ऊपर जाके उनका कमरा देखो, बिल्कुल साफ सफाई हो गई है उसकी, ऐसे घर से कैसे गायब हो गए, तुम्हें तो पता होगा, बता के कुछ गए? तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी सवाल है ना सब नोट डाउन कर लो, जब वापस आए ना तो सब पूछ लेना उनसे। रिलैक्स रहो, क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है चलो, खैर तुम नाश्ता तो करो, नाश्ता लगवा दिया है मैंने, आओ। अब क्या नाश्ता करना, इतने सवाल पूछे तुमने कि सुबह सुबह मूड खराब हो गया। अरे मैं आई एम सॉरी, नाराज क्यों हो रहे हो? अब ऐसे नाराज होके ऑफिस जाओगे तो पूरा दिन मुझे गिल्ट खाएगा कि मैंने नाश्ता भी नहीं करने दिया सही से, प्लीज चलो ना। इतने प्यार से कहोगी तो फिर तो ऑफिस जाने का भी दिल नहीं करेगा। ऑफिस जाने के लिए रोक नहीं रही, नाश्ता करके ऑफिस जाओ, लेकिन चलो आ जाओ, कॉल करके पूछ ले अम्मी बाबा से कहाँ है। पूछ लूंगा। मम्मी पापा कहाँ हैं आप लोग? क्या मतलब कहाँ हैं? भाई घर पर ही हैं। सब खैरियत तो है ना मरियम? मामा आप? नहीं आप बताएं आप कैसी हैं और घर पर सब कैसे हैं? अरे भाई मैं भी ठीक हूँ, घर में सब ठीक हैं। तुम बताओ, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो और तुम्हारी आवाज ही इतनी घबराई हुई क्यों है? वो एक्चुअली मामा जब मैं सुबह उठी तो दानिश के पेरेंट्स घर पे नहीं थे, समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। अब तुम ना बिला वजह यूं छोटी छोटी सी बातों पे परेशान हो रही हो, फिर जब दानिश शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना। ठीक है मामा मैं पूछ लूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके खुदा हाफिज। दानिश आई एम रेडी, चल फटाफट। माशाल्लाह आज तो लगता है जैसे चांद ही जमीन पर उतर आया है। अच्छा बस भी कर दो चलो। अरे जी भर के अपनी बेगम को देखने तो दो, इतनी जल्दी क्या? देख लिया टेबल बुक हुई भी है, वो किसी और को दे देंगे, अब चलो। बहुत अनरोमांटिक हो मरियम तुम, मैं अपनी बेगम को प्यार से देखना चाह रहा हूँ, तुम्हें टेबल की पड़ी है। क्योंकि रोमांस से पेट नहीं भरता ना, खाने से पेट भरता है इसलिए। और अगर मैं कहूँ कि मेरा पेट तो रोमांस से भर जाता था? तो तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो। झूठ नहीं बोलता मैं, हाँ मोहब्बत का भूखा जरूर हूँ। क्या हो गया? और मैं बाबा अम्मी को भी कॉल करी थी सुबह से, मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहे, उनको बताया है कि मैं कितना नाराज हूँ उनसे, मुझे बताए बगैर चले गए, और अब तुम भी नाराज हो रहे हो। तुम कितनी नाशुक्री हो। अरे लड़कियां तो पापड़ बेलती है कि अपने ससुराल से दूर रहें, एक अलग घर मिले उन्हें, और यहाँ तुम हो कि? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। कर दी ना तुमने दखियानूसी बात। दखियानूसी मतलब? मतलब ये कि उस दिन क्या तकरीर दे रहे थे, that I judge people by their character, और बार बार मुझे यही कहते हो कि तुम आम लड़की हो, आम लड़की हो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने इन-लॉज से दूर रहूँ और अकेले किसी घर में बैठ जाऊँ। दानिश मैं बहुत चाहती हूँ कि घर के बड़े घर में हों, और ऐसे अकेले रहने में मुझे सच में बहुत उलझन होती है। इनफैक्ट अब तो ज़्यादा उलझन होने लगी है सोच के कि बाबा अम्मी मुझसे नाराज़ हैं और मैंने कुछ कह दिया है गलत। मरियम अम्मी और अब्बू एक ज़रूरी काम से इमरजेंसी में इस्लामाबाद गए, आ जाएं कुछ दिनों में। बार मैंने ये सुना है ज़रूरी काम, ऐसा क्या ज़रूरी काम है?
अब्बू के एक दोस्त की डेथ हो गई थी, इसलिए इस्लाम आबाद जाना पड़ा। आ जाएंगे चंद दिनों में। बाबा ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि अम्मी को लग रहा था कि बहुत सैड न्यूज है और नई नवेली दुल्हन को नहीं देनी चाहिए न्यूज। लेकिन तुम हो के बिल्कुल थानेदारी बन गई हो। शुक्र तुमने बता दिया, नहीं तो मैं क्या क्या सोच लेती। क्या क्या सोचती? यही कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत बोल दिया, नाराज हो गए। थैंक यू। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इनफैक्ट तुमसे कोई नाराज नहीं हो सकता। आओ चलो। बाबा, बाबा मेरी बात सुने। बाबा मैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मरियम बेटा तुम यहाँ कैसे? मत बोले मुझे बेटा, एक तो बताए बगैर आप इस्लामाबाद चले गए और कराची वापस आके वो भी नहीं बताया। कहाँ रह रहे हैं आप दोनों और अम्मी कहाँ है? अब क्या हो गया है? मैंने कुछ गलत किया है, मुझसे कोई गलती हुई है, कोई बात बुरी लग गई है जो आप लोग ऐसे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी कोई बात कैसे बुरी लग सकती है? तुम तो इतनी प्यारी हो माशाल्लाह। हम तो दानिश की किस्मत पे रश करते हैं, उसे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, बस मोहब्बत की कमी थी। अब उसे तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है, खुदा ने तुम्हारी सूरत में उसकी जिंदगी की ये कमी पूरी कर दी। खुदा ने मेरी सूरत में ये कमी पूरी कर दी और आप और अम्मी उसे माँ बाप की मोहब्बत से महरूम कर रहे हैं। अब प्लीज मेरे साथ चले। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्यों नहीं, आप क्यों नहीं चल सकते? बेटा ये बात तो तुम्हें अपने शौहर से पूछनी है। ठीक है, मैं पूछूंगी, लेकिन आपके सामने पूछूंगी। प्लीज बाबा, बहुत हो गया, घर वापस चले प्लीज। और बाबा अम्मी, बाबा ऐसा तो नहीं कि दानिश मुझसे कुछ छुपा रहा है? कहीं वो लोग इस्लामाबाद गए ही ना हो। और दानिश मुझसे झूठ बोल रहा। आप जिनकी सोचों में गुम हैं, वो गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आप कब आए? जब आप अपने ख्यालों में गुम थे तब। मैं पानी लेके आती हूँ। पानी नहीं, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आओ दिखाओ, बैठो। किन सोचों में गुम गई? ये देखो। ये क्या है? हनीमून टिकट्स। हम टर्की जा रहे हैं। टर्की? कितने दिन के लिए जा रहे हो? एक हफ्ते के लिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम ज्यादा दिन कर सकते हैं। नहीं, मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहती। इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट थी दानिश, क्या हम टर्की से वापसी में कराची के बजाय इस्लामाबाद जा सकते हैं? अम्मी बाबा है ना वहाँ, बाबा के फ्रेंड की ताजियत भी कर लेंगे और अम्मी बाबा को साथ अपने कराची भी ले आएंगे। ठीक है, जैसे मेरी बेगम कहें वैसे करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा तुम डिनर लगाओ, मैं चेंज करके आया।
सुबह से तबीयत थोड़ी भारी भारी लग रही है, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है, चेक कराऊंगी मैं। अरे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई तुम्हें, ये तो खुशखबरी की बात है। ऐसा क्यों कह रही है अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई तजर्बा भी कोई चीज होती है। तुम एक काम करो, तुम दानिश को कॉल करो और उसके साथ में तुम हॉस्पिटल जाओ। वो तो फिलहाल अभी कमरे में, और अम्मी मैं उन्हें कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती जब तक कि कंफर्म ना हो। आप मुझे डॉक्टर के यहाँ कल ले जाइएगा ना। चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कल मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ और तुम्हें फिर हॉस्पिटल लेकर चलूंगी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मरियम जी, क्या हुआ? हाथ दिखाओ, हाथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्का सा कट लग गया, इट्स ओके। ये छोटा सा कट है। अरे कुछ नहीं हुआ। वेट कहाँ पर हो? आज छुट्टी पे थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट दूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने के लिए, मेड रखे दी भी ना तुम्हें मैंने। ये चीजें ना इस्तेमाल किया करो, तुम्हारे लिए नहीं है। छोटा सा कट है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, यू नो आई लव यू। आई लव यू टू, परेशान मत हो। अब नेक्स्ट टाइम तुम नहीं करोगी? आइंदा नहीं करूंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखा, मैंने कहा था ना, और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई, वरना फूड पॉइजन के चक्कर में पता नहीं कौन सी दवाई खा लेती। दानिश कहाँ है? उसे खुशखबरी तुमने अभी दी या नहीं दी? मामा, दानिश को मैं खबर खुद दूंगी, जो मालूम है वो बहुत खुश होंगे और मैं उनके एक्सप्रेशंस भी देखना चाहती हूँ। बेटा अगर घर पे दावत नहीं होती ना तो मैं जरूर रुकती, मैं भी एक्सप्रेशंस देखती, लेकिन जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है, आप जाएं, रात में मैं और दानिश भी आएंगे दावत पे, आराम से जाइए। ओके मैं जा। दाफिस। I have a big surprise for you. Come home soon. नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं पता लगा के रहूंगी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मुझे जा साहब से मिलना है। यहाँ तो कोई जा साहब नहीं रहते। अरे अभी तो यहाँ से अंदर गए। लेकिन वो तो मेरे वालिद साहब थे। नहीं, इनकी बात कर रही हूँ मैं जी। यही तो मेरे वालिद साहब हैं, लेकिन इनका नाम इजाज तो नहीं है, इनका नाम मोहम्मद अकमल सिद्दीकी है और मैं इनका बेटा नायल सिद्दीकी हूँ। इनका कोई और बेटा भी है? नहीं, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। प्लीज मुझे फिर भी मिलवा दो उनसे। जी मैं बुला के लाता हूँ। Thank you.
झूठ बोला है ना आप लोगों ने मुझसे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी आप लोगों की जो दानिश के साथ मिलकर आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला? आप लोगों को एहसास भी है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, किस तकलीफ में हूं मैं? मुझे कोफ्त हो रही है अपने आप से, अपनी जिंदगी से। मेरा शौहर कौन है, क्या करता है, उसके वालिदैन कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। या शायद वो एक धोखेबाज और झूठा इंसान है, उसके सिवा कुछ नहीं। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो। दानिश जैसा फरिश्ता सिफ्त इंसान तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फरिश्ता सिफ्त? खुदा के लिए फरिश्तों की तौहीन ना करें। या फिर आप उस पैसे को हलाल कर रही हैं जो झूठ बोलने के लिए दानिश ने आप दोनों को दिए? बस बेटा, इसके आगे कुछ मत कहो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दानिश की इजाजत के बगैर तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। ये बात सच है कि हम दानिश के वालिदैन नहीं हैं, लेकिन हम उसे एक अरसे से जानते हैं। वो एक यतीम खाने में पला बड़ा लड़का है। उसके माँ बाप कौन है, किस खानदान से है, किस घराने से है, ये बात न वो जानता है न हम। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक बेइंतहा मुखलिस और मोहब्बत करने वाला शख्स है। उसने बड़ी मेहनत से अपनी एक शनाख्त बनाई, आज जो कुछ भी है अपने बलबूते पर है। मगर अफसोस, ये दुनिया शजरा जाने बगैर किसी को मोहब्बत करने का हक नहीं देती। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे मरियम, बेपनाह मोहब्बत। और उसे खौफ था कि अगर उसकी असलियत पता चल गई तुम्हें तो तुम उसे छोड़ दोगी, इसीलिए उसने हमें बतौर वालिदैन तुमसे मिलवाया था। और झूठ और दानिश तो मुमकिन ही नहीं। तो आप लोग तो मुझे बता सकते थे ना मुझसे क्यों झूठ बोला। ठीक है पहले झूठ बोला, लेकिन आप लोगों को जाते हुए तो सच बता देना चाहिए था। लेकिन नहीं, दानिश के साथ मिलके आप लोग मुझसे झूठ पे झूठ बोलते रहे। क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था ना मरियम, उसे डर था तुम उसे छोड़ दोगी। दानिश कौन है कौन नहीं, वो हमारा बेटा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत ये है कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा हाल है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। बेटा तुम दानिश से लड़ लो, उस पर गुस्सा कर लो, उससे खफा हो, लेकिन खुदारा उसे छोड़ना मत। वो हीरा है, हीरा। और उसे हरगिज मत बताना कि तुम हम लोगों से मिली हो, कि तुम उसकी हकीकत जानती हो। बेटा वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा यकीन करो बेटे, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने दानिश को सच बता दिया, आप दोनों की तस्वीर भी भेज दी है। अरे ये क्या कर दिया बेटा तुमने, अब फौरन घर जाओ, खुदा के वास्ते घर जाओ, उसको संभालो, वो कहीं जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि खुद को नुकसान पहुंचा दे, प्लीज जाओ। हाँ बेटे हमारी बात का यकीन करो, बस वो तुम्हारा शौहर है, यही हकीकत। आपकी बात का यकीन करो, जिस इंसान पे मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया जब वो मुझसे झूठ बोल सकता है, तो अब मैं किसी की बात का यकीन नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ मैं जो कुछ कहूँगा
मेरी बात का यकीन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा भरोसा तोड़ चुका हूं मैं। लेकिन मरिया मेरी बात का यकीन करो, मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया। हाँ मैं जानता हूँ मैंने रास्ता गलत अख्तियार किया, लेकिन मेरी नीयत हरगिज़ गलत नहीं थी। मरियम बचपन से आज तक मैं अपनी शनाख्त ढूंढता रहा हूँ लेकिन कोई सिरा नहीं मिला। अंकल आंटी जब भी मेरी शादी करवाने की कोशिश की, जब लोगों को पता चला कि मैं यतीम हूँ तो किसी ने मुझे कबूल ही नहीं किया, सबने हमेशा इनकार कर दिया। फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मुझे लगा तुम मुख्तलिफ हो सबसे, हमारी बहुत कम अरसे में दोस्ती हो गई, मैं तुम्हें पसंद करने लगा, तुम मुझे पसंद करने लगी, हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तो मेरी जिंदगी में आई ना तुम, मुझे ऐसे लगा मैं सीना तान के कह सकता हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन आई नो मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, भरोसा तोड़ा मैंने तुम्हारा, जो माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया ताकि तुम्हें किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े, तुम्हें हर वो आसाइश मिले जो तुम डिजर्व करती हो। और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूँ वापस कनाडा, कोई गुमनाम जिंदगी गुजारने के लिए। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था दानिश, और ना ही मुझे ये सब चाहिए, बस एक वादा मांगा था तुमसे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी दौलत से मुझे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ मोहब्बत इज्जत और सच्चाई चाहिए, और तुमने कहा था कि तुम वो वादा पूरा करोगे। मैंने तुमसे कहा था कि हमारे रिश्ते की बुनियाद सच पे होगी, एक ऐसा रिश्ता जो आईने की तरह साफ हो, जिसमें मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा अक्स नजर आए। मगर तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे गैरों के सामने रुसवा किया। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे वालिदैन कौन हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे बताओ, क्या दोबारा मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ? मुझे एतबार हो सकता है कि तुम अपना वादा निभाओगे? ये सब मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार आता है। शायद मैं दोबारा तुम पे यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बेपनाह इज्जत दी, मोहब्बत दी, दूसरी औरतों के शौहरों से कई ज्यादा। तुमने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, सबसे बढ़कर मैं तुम्हें इसलिए एक और मौका देना चाहती हूँ क्योंकि क्योंकि तुम बहुत जल्द एक बाप बनने Danish! Danish!
दानिश। Manish।